नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा MSI की मास्टर जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाए और उनके नियम कौन कौन से होते हैं। आज उन्हीं नियमों को हम अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाते समय या बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने के लिए उन अकाउंट्स को किस तरीके से यूज में लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर नियम लिख देता हूं, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमने नियमों को तीन भागों में बांटा था, तीन तरीके के अकाउंट्स के बेसिस पे हम रूल्स पढ़ते हैं। और वो तीनों तरीके के अकाउंट क्या थे हमारे, पर्सनल, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इनको विस्तार से हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंटिंग साइकिल की। आप सभी वीडियोस को देखें और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी क्वेश्चंस या जो भी क्वेरीज हो आपकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें देखें आप, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स के हमने रूल पढ़े थे। मैं दो दो लाइन्स थी, दो दो लाइन में क्या था, व्यक्ति होता है एक तो कौन, पाने वाला, एक होता है देने वाला। रियल अकाउंट में वस्तु होती है आने वाली और जाने वाली। नॉमिनल अकाउंट में सभी खर्चे और हानियां और सभी आय या लाभ होते हैं। हमने DR और CR के नियम पढ़े थे। DR और CR का पहले तो हम देखते हैं, DR क्या है और CR क्या है। दोस्तों, DR को नॉर्मली लोग कहते हैं डेबिट और CR को बोला जाता है क्रेडिट। डेबिट अगर इसको देखा जाए तो C और R, यहां C भी दिख रहा R भी दिख रहा, मतलब क्रेडिट ये फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ D है और R है, लेकिन इसमें ओनली D दिख रहा, R नहीं दिख रहा, R नहीं दिख रहा। तो एक्चुअल में इनकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डेबिट रिकॉर्ड्स एंड क्रेडिट रिकॉर्ड्स। हिंदी में इसे बोलते हैं नाम पक्ष और इसको बोला जाता है जमा पक्ष, नाम पक्ष और जमा पक्ष। नॉर्मली अगर देखा जाए जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स वाले भी हैं तो 11th क्लास से तो कॉमर्स स्टार्ट होते हैं, तो इतना डीपली इन चीजों को नहीं जाना जा सकता। तो इनका यूज होता क्या है, हम नॉर्मल हमारे हम जब भी रूटीन में यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ तो लिखते हैं हम अपने खर्चों को और एक तरफ लिखते हैं आय मतलब इनकम को। अब आप जितने भी आपकी इनकम है, जैसे 10,000 रुपए आपकी बेसिक इनकम है, 5,000 रुपए आपको रेंट मिला है, किराया मिला है, 3,000 रुपए का आपका कहीं से कमीशन आया, तो टोटली आपके पास हो गए कितने, 18,000 रुपए। खर्चे आपके हो गए, जैसे राशन पानी का खर्चा हो गया 4,000 रुपए, मोबाइल का खर्चा हो गया 1,000, तो एटसेट्रा और भी खर्चे टोटल अगर देखें तो कितने हो गए, 5,000 रुपए। अब इधर 18,000 की इनकम है और इधर हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस किया तो 13,000 का हमारे पास बैलेंस आ गया, और टोटल अगर किया जाए तो 18,000 इधर हो गए और 18,000 इधर हो गए, मतलब अब रिमेनिंग जो अमाउंट हमारे पास रही है इनकम की वो है 13,000, तो हमारा बैलेंस निकल के आ गया। कुछ नहीं करते हम, नॉर्मल जो काम करते हैं उसमें भी यही करते हैं, एक तरफ एक्सपेंसेस रखे जाते हैं और एक तरफ इनकम रखी जाती है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स के अंदर भी एक पार्ट को नाम दे दिया गया डेबिट और एक पार्ट को नाम दे दिया क्रेडिट। तो ये कुछ नहीं है, दो साइड्स हैं किसी भी ट्रांजेक्शन की, जहां पर एक व्यक्ति को इनकम होती है दूसरे को एक्सपेंसेस, या कोई भी वस्तु आती है कोई जाती है, या फिर किसी व्यक्ति को पैसा मिलता, किसी व्यक्ति कोई पाने वाला होता है कोई देने वाला होता है। अब इन्हीं में हम नियम लगाएंगे DR और CR के। तो पाने वाले को बोला जाता है DR और देने वाले को करेंगे हम CR। आने वाली वस्तु हो जाएगी आपकी DR और जाने वाली वस्तु हो जाएगी CR।
हानियां जितनी भी है वो हो जाएंगे डीआर, और सभी खर्चे भी हो जाएंगे आपके डीआर, और लाभ और आय सब होंगे आपकी सीआर। तो आज इन नियमों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरीके से इनको अप्लाई किया जाता है। कुछ उदाहरण लेंगे हम, जैसे सबसे पहले लिखते हैं हम राम को 15,000 रुपए दिए। कल अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट थर्ड में हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमें अकाउंट्स की पहचान कर रुपए दिए। कल अकाउंटिंग साइकिल के पार्ट थर्ड में हमने बात करी थी कि सबसे पहले हमें अकाउंट्स की पहचान करनी है, उसके बाद नियम लगाने हैं। पर्सनल में क्या आएगा, रियल में क्या आएगा, नॉमिनल में क्या आएगा। पर्सनल की बात करें तो सबसे पहले पर्सनल में किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी संस्था का नाम आता है। तो यहां पर हमें किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है तो बिल्कुल हमें राम दिख रहा है, ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमें दिख रहा है बस 15,000 रुपये। 15,000 रुपये क्या एक प्रकार की वस्तु है, वस्तु किसमें आएगी, रियल अकाउंट में। तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैश। अब ये तो हमारा क्या है, कारक चिन्ह है, और ये क्या है, क्रिया है, तो इनको हम नहीं लेंगे इसमें। अब राम को 15,000 रुपए दिए, किसको दिए, राम को। तो राम पाने वाला या देने वाला, यहां पर पाने वाला। इस दिए को ये मत सोचना कि हमने दिए हैं, कारक चिन्ह के आधार पर ध्यान रखना हमें कि क्या किया है, राम को पैसे मिले हैं, यहां पर हमने राम को पैसे दिए हैं। तो राम कौन हो गया, यहाँ पाने वाला, पाने वाले को क्या करेंगे हम, डीआर। आप लोगों को ये करना है कि पहले ये नियम लिख लेना है ऐसे कैसे, और बार बार प्रैक्टिस करनी है तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। प्रैक्टिस चाहे आपकी स्लो हो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि काम करना और हो गया काम बराबर, वो काम नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया। रियल अकाउंट क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करे और जाने वाली को क्रेडिट करे। राम को पैसे दिए, तो हमने तो पैसे दिए हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, यहाँ ये मत सोचना राम के पास आ रहा है। आप राम की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे, आप अपनी बुक में एंट्री कर रहे हैं और आप खुद राम नहीं है, ठीक है। हम अपना नाम अपनी बुक में कभी नहीं लिखते, ध्यान रखना ये। कभी भी जब पर्सनल अकाउंट की बात आती है तो यहाँ ध्यान रखना है कि दुकान होती है उसमें काउंटर है, एक काउंटर के अंदर होता है व्यक्ति, ठीक है, और एक होता है आपके बाहर। तो बाहर वाला कौन होता है, ग्राहक, जिसको हम माल बेच रहे हैं, और एक होता है आउटर ही होता है, और उससे हम क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, मतलब दुकानदार। ये भी कौन है, दुकानदार, ठीक है, इससे हमने माल खरीदा और इसको माल बेचा। तो ये दोनों व्यक्ति ये हैं, ये पाने वाला और ये व्यक्ति आपको देने वाला। अभी हम माल की बात कर रहे हैं, माल ये पाएगा और ये देगा, मतलब वस्तु पाएगा और वस्तु देगा, इसलिए इन दोनों को इंडिकेट रखना हमें, हमें अपने आप से मतलब नहीं, हमारी बुक्स में तो एंट्री हो रही है, ठीक है। तो यहां देखें आप, जो राम है, राम पा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम बिल्कुल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, और आप किसी भी तरीके की एंट्री बना सकते हैं। फिर ये जो फंडा है, अंडरलाइन करना, पहचानना और उसके बाद नियम लागू करना। एक डॉक्टर भी होता है, वो भी क्या करता है, पहले आदमी की बीमारी पहचानता है, फिर उस पर नियम लगाता है कि तुम्हें यही चीज़ें ध्यान रखनी है, दवाइयाँ लिखता है उसको, ठीक है। यहाँ पर आप डेबिट और क्रेडिट को किस तरीके से लिखा जाता है, लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कपड़े, पैंट और शर्ट है, सब अलग अलग तरीके से पहनते हैं, लेकिन पैनी नीचे जाती है, पैंट और शर्ट ऊपर ही पहनी जाती है। अब कोई बटन खोल लेता है, कोई आस्तीन ऊपर चढ़ा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिस्टम रखा गया, और एक्चुअल सिस्टम हम भी जानते हैं कि कपड़े पहनने का भी क्या है, और इसका भी एक सिस्टम होता है। जैसे डेबिट वाली चीज को हमेशा पहले लिखा जाता है, जैसे डेबिट में है आपका राम, तो राम्स अकाउंट, ये अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। अगर आप अकाउंट लगाएंगे तो आपको अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाना जरूरी है, मतलब राम का अकाउंट, ठीक है। डेबिट और टू में आ जाएगा आपके पास, जो पैसा आपके पास से जा रहा है, जो क्रेडिट वाली चीज है उसी को क्या कहा जाता है, टू करके लिखा जाता है, या क्रेडिट करके नहीं लिखना हमें। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट। राम के पास कितने रुपए गए, 15,000 रुपए गए, और यहां पर भी कितने हुए, 15,000 रुपए हो गए। इस तरीके से हमें एंट्री बनानी है। दो बार अमाउंट इसलिए लिखी जाती है, एक डेबिट की अमाउंट है, क्रेडिट की अमाउंट है। इसी तरीके से हम और प्रैक्टिस करते हैं।
मोहित को 3,000 रुपए दिए। अब आप सोचें इनमें कौन कौन से अकाउंट अंडरलाइन होंगे। सबसे पहले तो हम ऊपर देखते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन तीनों में से कौन सा अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट तो हमें मिल गया, दूसरा जो अकाउंट है वो रियल है। देन यहाँ लिख देंगे हम पी और यहाँ लिख देंगे हम आर। पर्सनल मोहित पाने वाला है यहाँ तो डेबिट कर दें, और पैसे जाने वाले हैं तो इसे कर दें क्रेडिट। पाने वाले को डेबिट करें तो मोहित है, मोहित अकाउंट डेबिट। ये जो अपोस्ट्रोफ लग के एस लगता है ये लिविंग थिंग्स के लिए लगता है हमेशा, ठीक है। अगर कोई वस्तु वगैरह होगी तो नहीं लगेगा ये। टू कैश अकाउंट कितना 3,000, 3,000। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, सुमित से 7,000 रुपए प्राप्त हुए। सुमित से 7,000 रुपए प्राप्त हुए, से 7,000 रुपए प्राप्त हुए। यहां पर एक सुमित है और एक 7,000 रुपए है। अब क्या हो रहा है, सुमित यहां कौन है? पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। तो सुमित पाने वाला है या देने वाला? तो यहाँ देखें आप, सुमित से 7,000 रुपए प्राप्त हुए। किसे हुए? हमें हुए। तो सुमित तो यहाँ देने वाला हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे यहाँ क्रेडिट। 7,000 रुपए प्राप्त हुए, तो 7,000 रुपए किसे प्राप्त हुए? हमें प्राप्त हुए। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली को क्रेडिट। तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ये हम अपने सेंस में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अपनी बुक्स के अंदर लिखा जा रहा है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डेबिट, मतलब डीआर। एंट्री में डीआर को पहले लिखा जाता है, तो डीआर में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट अमाउंट है 7,000। आप लोग इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जिसकी भी आपको जरूरत है, साथ के साथ ना लिखते जाएं आप, पहले इनको समझे, समझना इम्पोर्टेंट है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके और इसको बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। और देखते हैं एंट्रीज, आपको प्रैक्टिस एक ही तरीके की एंट्री की कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी। और एक बार अगर समझ में आने लग गई तो फिर आगे समझ में आती रहेगी। नेक्स्ट देखो, अब हम वस्तु से रिलेटेड लेते हैं कुछ भी, वस्तु भी हो चुकी वैसे तो हमारी। चलो कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा आपने 25,000 का, ठीक है। अब यहां पर भी हमें तीनों अकाउंट्स में से कोई भी 2 अकाउंट सर्च करने हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अच्छा, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखिए आप, कंप्यूटर और रुपए, ये 2 चीजें नजर आ रही है। खरीदा जो वर्ड है ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है, एक क्रिया के बारे में बता रहा है, काम एक्चुअल में हो क्या रहा है। खरीदा को हम परचेज भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है और किस एसेट्स पर उसका नाम लिखा जाता है और किस एसेट्स पर आप उसको परचेज या सेल्स के रूप में लिखोगे। पर ये है हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर एक वस्तु है और 25,000 रुपए ये भी एक रुपए भी वस्तु है, दोनों ही हमारे रियल अकाउंट हो गए। यहाँ लिखा हुआ है रियल अकाउंट का नियम, आने वाली वस्तु को डेबिट करें, रियल अकाउंट का नियम आने वाली वस्तु को डेबिट करें, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करें। कंप्यूटर आ रहा है या जा रहा है? क्योंकि खरीदा, खरीदने में क्या होगा, कंप्यूटर आएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे डेबिट। 25,000 रुपए जाएंगे इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो नियम है, डेबिट वाली चीज को पहले लिखें, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट आएगी 25,000, ठीक है। अब यही कंप्यूटर जब हमारी फर्म में पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री बनती है, कब कंप्यूटर को
या कंप्यूटर बेचा, पुराना हो गया तो इससे कम में बिकेगा, मतलब 15,000 रुपये में कंप्यूटर को बेच दिया। वही दो अकाउंट हो गए हमारे पास, ये रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर रियल अकाउंट है, आ रहा है या जा रहा है, तो आने वाली वस्तु डेबिट होगी, जाने वाली क्रेडिट, लेकिन यहाँ बेचेंगे तो कंप्यूटर क्या होगा, जाएगा, तो जाने वाली को कर देंगे हम क्रेडिट। पैसे जो होंगे वो क्या होंगे, आएंगे, तो आने वाली को क्या करेंगे हम डेबिट। तो कंप्यूटर बेचा, क्रेडिट एंड डेबिट मिल चुका, पैसा मिलेगा, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है हमारे पास से, कंप्यूटर, कंप्यूटर अकाउंट कितने का, 15,000 रुपए का। ठीक है, तो ये वाली जो एंट्री है ये कंप्यूटर खरीदने की है, ये एक्चुअल में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स है इसलिए हमने इसका नाम लिखा है। अगर ये हमारी करंट एसेट्स होती, करंट एसेट्स मतलब गुड्स, तो फिर हम उसका नाम नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, परचेज। क्यों? क्योंकि उसे हम बेचने के लिए ही खरीदते हैं, हमारा इरादा ये होता है कि हम उसे क्या करना है, बेचना है। और यहाँ पर कंप्यूटर जो हमारे पास पड़ा था वही पुराना हो गया, अब हमारे लिए यूजलेस है, तो हम उसको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर बेचा मतलब कैश आ रहा है, कंप्यूटर जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास समझ में आई होगी, और इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और पार्ट वाइज देखते रहें। जैसे अकाउंटिंग साइकिल पार्ट 4 चल रहा है अभी हमारा, 4 के अंदर धीरे धीरे करके और एंट्रीज आएंगी हमारी, नेक्स्ट 5 आएगा, इस तरीके से कंटिन्यू पार्ट चलता रहेगा। और जो इससे पहले का पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको भी आप रिवाइज करते रहें बार बार। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मुझे, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।